दोस्तों, जब बात नागमणि और इच्छाधारी सांपों की आती है तो कोई भी इसके रहस्यों पर विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। जब एक लड़के को नागमणि मिला तो उसने वो किया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं किया होगा। साथ ही अगर आप भी नागमणि जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप भी नागमणि के अस्तित्व पर विश्वास करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की आज के हमारे इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हर इच्छाधारी सांप के पास उसकी मणि जरूर होती है, और ये कहते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद कोबरा सांप के मुंह में अगर चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। साथ ही जब कोई सांप नागमणि को पा लेता है तो उसके अंदर कई अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। साथ ही नागमणि का प्रकाश काफी तेज होता है जिसे कई मीटर दूर से ही देखा जा सकता है। इसके अलावा अब हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, ये घटना है बिहार के दरभंगा की, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में सौरभ और गोपाल नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में एक साथ जाया करते थे। उसी जंगल में इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपने नागमणि की रक्षा करती थी। एक बार गोपाल की एक बकरी घने जंगल के अंदर चली गई तो गोपाल ने सौरभ से कहा कि भाई, आज तू अपने बाकी बकरियों के साथ मेरी ही बकरियां घर लेकर चला जा, मैं उस बकरी को ढूंढ के ले आता हूँ जो शायद जंगल के अंदर चली गई है। उधर नागिन अपनी इंसानी रूप धारण करके नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़कर गाँव में घूमने निकल गई। जब गोपाल अपनी बकरियों को ढूंढता हुआ उस जगह पहुंच जाता है जहां एक पेड़ के बने होल से तेज रोशनी आ रही होती है, उसे लगा कि यहां कोई कीमती हीरा है। तभी वो उस पेड़ की एक टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा झंडा बना लिया और फिर उस बिल में जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय बहुत ही तेजी से एक बार नाग को भी डंडा लग जाता है, जिसकी वजह से वो सांप उसी समय दम तोड़ देता है। जिसके बाद कुछ चमक रही चीज को देख वो व्यक्ति समझ जाता है कि ये एक नागमणि है। वो तभी उसे रुमाल से उठाकर वहां से तुरंत सब कुछ छोड़कर भाग जाता है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो उसने देखा कि वहां से नागमणि तो गायब हो गया और उसका साथी वहीं पर मरा हुआ है। वो पूरी तरह से आग बबूला हो गई। उसने अपने शक्ति से नाग की आंखों में देखा और जान लिया कि ये सब कुछ किसने किया है। हम आपको बता दें कि गोपाल ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के शरीर को वैसे ही जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को गोपाल के बारे में पता ही नहीं चलता। साथ ही गोपाल अब काफी खुश था नागमणि को पाकर। उसने अपने हाथ की हथेली पर उस नागमणि को रखकर दोबारा से अपनी बकरी को मांगा और कुछ समय बाद ही वो बकरी उसके दरवाजे पर मिली। फिर उसने नागमणि की सहायता से अपनी पूरी जिंदगी ही बदल दी। अब वो पूरे गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। साथ ही दूसरी तरफ नागिन गोपाल से बदला लेने के लिए बेकरार थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि गोपाल हर समय नागमणि को अपने पास ही रखा करता था, जिसके कारण नागिन कुछ भी नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, ये माना जाता है कि इच्छाधारी नागिन बिना नागमणि के भी कोई रूप ले सकती है, और अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर लड़की का रूप ले लिया। साथ ही गोपाल जब किसी दिन कहीं जा रहा था तो बीच रास्ते में उसे आते हुए देख वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। इसे देखते हुए वो बैलगाड़ी से नीचे उतरता है और पूछता है कि आप रो क्यों रही हैं? तो फिर उसने कहा कि मेरा नाम पायल है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती थी, लेकिन कल रात को किसी दूसरी स्त्री को लेकर मेरा पति आया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस समय गोपाल को उस सुंदर स्त्री पर तरस आ गया और वो उसे अपने साथ घर लेकर आ गया। धीरे धीरे गोपाल और नागिन में गहरी दोस्ती हो गई और गोपाल को ये पता ही नहीं चला कि उसे कब पायल से प्यार हो गया। एक दिन गोपाल और पायल मतलब नागिन एक बीच पर घूमने गए और एक जगह एकांत पाकर पायल ने गोपाल से पूछा कि तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो गोपाल ने बोला, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन यही वो नागमणि थी जिसे पायल हासिल करने आई थी। तभी पायल बोलती है, मुझे तुम कुछ देर के लिए इसे दिखा सकते हो? तभी गोपाल पायल को इसे दिखाने से साफ साफ मना कर देता है। तभी पायल बोलती है कि तुम मेरे से प्यार नहीं करते, तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है, तुम सिर्फ दिखावे के लिए कहते हो कि तुम मेरे लिए जान दे सकते हो, जबकि तुमसे ये लॉकेट भी नहीं दिया जा रहा। अब इन बातों को सुनकर गोपाल काफी ज्यादा निराश हो जाता है और गुस्से में ही सही वो अपने इस लॉकेट को उतार कर पायल को दे देता है। और जैसे ही पायल के हाथ में वो नागमणि आती है, पायल का रूप एकदम से बदलने लगता है और कुछ ही समय में वो एक सुंदर कन्या से भयानक रूप में आ जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल सांप में बदल जाता है और उसने कई बार गोपाल को डसा, उसे अपने जहर से वहीं पर मार डाला। और ऐसे में इस नागिन का इंतकाम पूरा हुआ। इस नागिन ने अपने नाग की मौत का बदला कुछ इस तरीके से लिया। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि लालच इंसान को मौत का रास्ता दिखा देती है, इसलिए इंसान को कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, और साथियों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं।